G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद भारत और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सोमवार को द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देश के बीच कई महत्वपूर्ण करार हुए। सऊदी अरब और भारत दोनों ने इस बात पर सहमति जताई है कि 100 अरब डॉलर के निवेश को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। वहीं इस मुलाकात से ये भी अनुमान है कि कई भारतीय कंपनियों में फंडिंग के रास्ते खुलेंगे और इसके लिए बातचीत का दौर भी जारी है। वीडियो में आगे जानेंगे पूरी खबर डिटेल्स में, साथ ही अंत में कंपनियों के नाम जहां निवेश होने की संभावना है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। सऊदी अरब भारत में 100 अरब डॉलर निवेश करना चाहता है और इसमें विशाल रिफाइनरी भी शामिल है। यही नहीं, भारत और सऊदी अरब ऊर्जा से लेकर रक्षा तक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। दोनों देशों के बीच हुए एनर्जी सेक्टर करार से सेक्टर में डिजिटल इंफ्रा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि सऊदी अरब के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी, रिन्यूएबल एनर्जी, खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर्स और सप्लाई चेन में सहयोग को लेकर अपार संभावनाएं हैं। वहीं सऊदी राजकुमार और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान की भारत की राजकीय यात्रा के बाद सऊदी अरब के सोवरेन वेल्थ फंड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि PIF से भारत की कंपनियों के फंडिंग में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें, ये फंड विश्व के 7 बड़े सोवरेन वेल्थ फंड में से एक है और सऊदी के जरिए निवेश का मुख्य माध्यम है। ऊर्जा की मांग बढ़ने और तेल के ग्लोबल प्राइस में तेजी की वजह से पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड बढ़ा है और इससे सऊदी अरब को राजस्व बढ़ाने में मदद मिली है। भारत के मामले में सऊदी अरब खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के लिए एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाना चाहता है जिसमें रियल एस्टेट शामिल है। इसकी प्लानिंग के लिए कंसल्टेंसी फर्म बेन एंड कंपनी से संपर्क किया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में बताया गया है कि PIF ने पिछले साल कहा था कि वो भारत में अगले 3 साल में 4 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश करना चाहता है। PIF सऊदी अरब में 40 लाख टन सालाना की क्षमता वाले प्रस्तावित 4.5 अरब डॉलर के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में इक्विटी लेने के लिए इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट SR ग्रुप के साथ प्रारंभिक बातचीत कर रहा है। इस स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट जिसके कच्चे माल के लिए पहले ही समझौता हो चुका है, इसकी सरकार समर्थित सऊदी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड के जरिए जांच अंतिम चरण में है। एक बार इसे मंजूरी मिल जाने के बाद फंड दूसरे रणनीतिक परियोजनाओं को भी कम ब्याज दरों पर लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड कराएगा। दरअसल अब तक PIF भारत में निवेश को लेकर पश्चिम एशियाई या दक्षिण पूर्व एशियाई सोवरेन वेल्थ फंडों जैसे कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, अमीरात सरकार के मुबाडाला और सिंगापुर सरकार के GIC की तुलना में कम आक्रामक था। PIF का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 700 अरब डॉलर है और सऊदी राजकुमार इसके चेयरमैन है। पश्चिम एशिया में यह तीसरा सबसे बड़ा सोवरेन वेल्थ फंड है। PIF के पहले ADIA और कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का नाम आता है। PIF ने कोविड महामारी के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज की 3 कंपनियों रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस रिटेल वेंचर्स और डिजिटल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुल 3.3 अरब डॉलर का निवेश करके ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी को चौंका दिया था। भारत में PE निवेश पर बेन IVCA की रिपोर्ट के मुताबिक PIF भारत में ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी सोवरेन वेल्थ फंड के निवेश में सबसे बड़ी निवेशक बन गई है। KKR फंड्स का भारत में 3 अरब डॉलर और सोवरेन वेल्थ फंड्स जैसे कि मुबाडाला, ADIC और GIC सभी का 2.1 अरब डॉलर का निवेश है। रिपोर्ट्स पर आधारित आंकड़ों के अनुसार इसके बावजूद पिछले 2 सालों में भारत में PIF निवेश कम हो गया है और ये भारत में वैश्विक PE निवेशकों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। इसकी एक वजह इन 2 सालों में सऊदी अरब को लगे झटके भी हो सकते हैं, जैसे कि सऊदी ऑयल कंपनी अरामको का रिलायंस इंडस्ट्रीज का 20% स्टेक $15 बिलियन में खरीदने का डील कैंसिल हुआ। वहीं अरामको की रत्नागिरी रिफाइनरी प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने की कोशिश भी विफल रही। लेकिन एक बार फिर सऊदी भारत में निवेश के मौकों की तलाश में है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि PIF अदानी ग्रुप के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए बातचीत कर रहा है या फिर वेदांता से उसके भारतीय कारोबार की 10% हिस्सेदारी लेने की कोशिश में है। इतना ही नहीं, PIF टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी से भी निवेश के लिए चर्चा कर रहा है।
अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सऊदी और भारत की डील देश की किन कंपनियों और किन सेक्टर्स पर मेहरबान होती है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।